आज दिनांक 27 अप्रैल 2020 को बाबू केदारनाथ जय सेवा संस्थान द्वारा जय बजरंग अखाड़ा चढ़ाई परिसर में सुबह 7 बजे से सफाई अभियान के तहत क्षेत्र की समस्त जनता तथा राहगीरों को रोककर साबुन से हाथ धुलकर तथा डिटॉल सैनिटाइजर का प्रयोग करवाकर सफाई से रहने तथा अपने आस पड़ोस के समस्त नागरिकों को जागरूक करने की अपील की गई। इसी क्रम में सभी लोगों से देवी अपील की गई कि घर से निकलते समय से भी लोग अपने साथ गमछा तथा मास्क का प्रयोग करके ही निकलें। किसी की अपनी तथा अपने लोगों की सुरक्षा होती रहे, क्योंकि कोरोना जैसी भयानक बीमारी पूरे विश्व को तबाही के मंजर में डालकर रखती है। इसलिए इस समस्या से पूरा विश्व परेशान है और अपने देश में 1.25 महीने से लॉकडाउन किया गया है। सभी लोग इस लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहकर अपने तथा अपने लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का काम करें। इस समय पर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी को बनाते हुए समय के सदुपयोग के लिए सभी लोग अपने अपने घरों या आसपास के खुले एवं साफ स्थानों पर अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए योग व्यायाम तथा आसन करें, क्योंकि योग व्यायाम एवं आसन करने से व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है। यह प्रक्रिया खुद करें तथा अपने लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। इस समय बिना किसी आवश्यक कार्य के घरों से बाहर न निकलें तथा सामाजिक दूरी को बनाए रखें, क्योंकि इस बीमारी का इलाज मात्र बचाव, साफ सफाई एवं सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। इन कार्यों के साथ साथ आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में यह ध्यान देते रहें कि किसी परिवार में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। यदि कोई भी मजदूर, श्रमिक या गरीब व्यक्ति जिसकी स्थिति ज्यादा खराब है, तो ऐसे व्यक्तियों की सूचना की सामाजिक संगठन तथा प्रशासन को दे, ताकि किसी व्यक्ति को भूखा न रहना पड़े। इसके लिए क्षेत्र में बाबू केदारनाथ जनसेवा संस्थान के सदस्य जब लॉकडाउन घोषित हुआ तभी से सेवारत है तथा संस्थान के सदस्यों का यह प्रयास है कि जब तक ऐसी स्थिति रहेगी तब तक सभी सदस्यों तथा प्रशासन के सहयोग से क्षेत्र की सेवा करते रहेंगे। इसके लिए अमरजीत यादव मिथिलेश, राम प्रवेश यादव, हिंद राज, हीरा लाल, दुर्गेश चंद यादव, सूर्यभान गौतम, चंद्रशेखर तथा अन्य सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में सेवारत है और 29 अप्रैल को संस्थान के सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र में पुनः एक बार खाद्य वितरण किया जाएगा।